क्या फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान ने अपने ही फैंस के साथ कर दिया है फ्रॉड? क्या अब अभिषेक मल्हान को भी जाना होगा जेल? वेल, जाने माने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 के फर्स्ट रनर अप रहे अभिषेक मल्हान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, अभिषेक मल्हान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं और इसकी कंप्लेन खुद उनके फैंस ने ही की है। अभिषेक मल्हान पर फ्रॉड करने का आरोप लगा है, तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। वेल, अभिषेक मल्हान अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं। कभी एल्विश यादव के साथ उनका पंगा होता है तो कभी अपने ब्लॉग के चलते। लेकिन अब अभिषेक जिस वजह से खबरों में है, वो उसकी वजह से शायद बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दरअसल अभिषेक मल्हान पर ऐप की वजह से फैंस ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अभिषेक जिस ऐप की वजह से फंसे हैं, उस ऐप का नाम है हाईबॉक्स। अभिषेक मल्हान ने फैंस के साथ हाईबॉक्स नाम के एक ऐप को प्रमोट किया था। ये एक शॉपिंग ऐप है जिसे फैंस ने डाउनलोड कर शॉपिंग भी किया, तो पता चला कि एक फ्रॉड ऐप है। अभिषेक की वजह से कई फैंस के पैसों को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से अब फैंस अभिषेक को जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। हर कोई अभिषेक मल्हान पर भड़का हुआ है। लोगों का कहना है कि अभिषेक खुद फैंस का इतना बड़ा नुकसान कराने के बाद चैन की नींद सो रहे हैं। बात करें अभिषेक की, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें फिल्मी बीट को।